OMG यहाँ पे तो तगड़ी वाली लड़ाई हो गई है गाइस। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सभी लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मेरे व्लॉग्स पे काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इससे मिलवाऊंगी, ये है घिया के कोफ्ते और ये है चावल हल्दी वाले। मम्मी ने इसलिए हल्दी डाली है इन चावलों में क्योंकि ठंड में नुकसान करते, तो हल्की सी हल्दी डाल दो तो वो चावल इतने नुकसान नहीं करते हैं, करते तो वो भी हैं पर इतने नहीं करते। और ये घिया के कोफ्ते की रेसिपी ऐसी है कि घिया को कद्दूकस कर लो, फिर उनको बेसन में घोल के पकौड़े बना लो और फिर टमाटर प्याज की चटनी वटनी वो सॉरी टमाटर प्याज को वो करके क्या नाम है जो तरी बनाते हैं, फिर उसके अंदर ये डाल दो। खैर ये तो हो गई बहुत ज़्यादा बकवासबाजी, लेकिन आप लोग ट्राई करना, अच्छे लगते हैं घिया के कोफ्ते के साथ चावल। बट मैं ये रेसिपी बताने नहीं आई थी, मैं ये बताने आई थी कि मेरा आ रहा है बर्थडे 2 दिसंबर। आधे लोगों को याद होगा, आधे लोग भूल चुके होंगे और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा पहनूँ, कुछ अच्छा सेलिब्रेट करूँ, तो वो जो भी होगा वो आप लोगों को व्लॉगिंग में पता चल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ ड्रेस लेने, और कहाँ जा रही हूँ उसकी लोकेशन भी बताऊँगी, जगह भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से ये खा लूँ और फिर चलती हूँ। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं बन गई हूँ शेरनी। जा रही हूँ मैं ड्रेस लेने और मम्मी भी देख सकते हो रेडी हो गई हैं। मम्मी ने आज येलो पहना है बिकॉज आज थर्सडे है, कहते हैं येलो पहनना चाहिए थर्सडे वाले दिन। और हम दोनों अब निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये हाथ का भी मैं बता दूँ, एक्चुअली ना मेरे कल से हाथ में मतलब नस में काफ़ी पेन हो रहा था, तो वो लगाई है मैंने मूव का स्प्रे लगाया है और इस पर थोड़ा रुमाल हैंकी से बांध लिया है ताकि बाहर की हवा ना लगे। तो जा रही हूँ, मुझे तो लग गई है बाहर की हवा पर मेरे हाथ को ना लगे। जस्ट जोकिंग। चलो अब हम चल रहे हैं, हाथ में लगी है मेरे, खींच मदन। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से देख सकते हो कितना नियर बाय है। मेट्रो स्टेशन से रिक्शा वगैरह बिल्कुल मत लेना क्योंकि बगल में ही इतनी बड़ी मार्केट है और ये मार्केट में एंट्री होते ही देख सकते हो लड़ाई हो गई है किसी की बड़ी तगड़ी, पर हम यहाँ से जा रहे हैं, ज़्यादा देर किसी की लड़ाई नहीं देखनी चाहिए। मार्केटों में विंटर कलेक्शन ही मिलेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ठंड आ गई है, अब ये ठंड 2-3 महीने की है तो सारे ही विंटर के कलेक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। और सामने आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे ब्रांड है और हमें उसी तरफ जाना है जहाँ पे ये जितनी भी स्टोर आप लोगों को दिख रही है। ये सब इधर कोई ड्रेसेस वगैरह नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल मार्केट है। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े, स्वेटर, जूते, चप्पल, सॉक्स, बस यही सब है। इस शॉप में ये स्वेटर के कलेक्शन है 300 रुपये देख सकते हो, और इनका स्टफ भी काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने जो यहाँ पे जो ड्रेसेस वगैरह लगाई है उनका रेट सबका अलग अलग है, किसी का 700, किसी का 800। इस मार्केट में मुझे या तो बेल्ट या फिर पर्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, पर मैं इनमें से एक बेल्ट लूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ी देर में। पहले मैं ड्रेस वगैरह ले लूँ, फिर मेरे को अपनी एक दूसरी ड्रेस के लिए भी लेना है। देखो फिर से हम स्वेटर वाले कलेक्शन पर आ गए, पर यहाँ ये 200 रुपीज़ के दे रहे हैं। ये सारे सूट के कलेक्शन है जिनका रेट अलग अलग है, किसी का 1800, 1900, 1500 ऐसे रेट है। अब ये सामने एक शॉप दिखी है, वहाँ पे हम जा रहे हैं अपने ड्रेस का पता करने। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे वो ड्रेस मिल जाएगी जो मुझे चाहिए अपने बर्थडे के लिए। अभी तो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं, मैंने कहा मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ तो मना कर दिया, और ड्रेस भी कोई खास नहीं थी और इतनी महंगी, पता है वहाँ पे जो ड्रेसेस के रेट थे 4-4, 5-5 हज़ार और कोई भी क्वालिटी नहीं थी, तो मैं वहाँ से निकल के आ गई हूँ। नेक्स्ट इधर ट्राई करते हैं, क्या पता इधर अच्छी ड्रेस मिल जाए। गाइस मुझे ड्रेस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ पे स्टॉल लगी, इतनी प्यारी प्यारी जूतीज हैं, सैंडल्स हैं, देख सकते हो ये चप्पल बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन लगा यहाँ पे सच में। तो आगे ट्राई करते हैं। थक गए आप? मम्मी थक गई है। और इसका ये वाला कलर है मेहरून। हाँ मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो अपने बर्थडे का वो बना रही हूँ कि मैं ड्रेसेस लेने आई हूँ। ये पीस तो सही लग रहा है पर ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में चुभेगा। नहीं, लग रहा। लाइटिंग पड़ेगी ना इस चीज़ की, बहुत खूबसूरत।
पीस बहुत खूबसूरत है ये, पर वैसा वैसा सा लग रहा है, वो टिश्यू वाला नहीं होता, तो लाइट वेट भी है लेकिन। हाँ ये तो जब मेकअप करोगे। ली ड्रेस मिल गई और यहाँ से हमने परचेज करी है, देख सकते हो। अब मम्मी मैं हम जा रहे हैं, सही थी और रिजनेबल प्राइस भी मिल गया है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। और इनके पास देखो ड्रेस कलेक्शन काफ़ी अच्छी है, दिखाती हूँ, ये देखो इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे थे सच में। कभी जब मेरे भाई की शादी होगी, अभी मेरे कज़न भाई की शादी आने वाली है, तब लूँगी इस टाइप की, इस टाइप की। अरे वाह, शाम भी हो गई, चलो चल रहे हैं अब। ये स्वेटर देखूं। गाइस मम्मी का ना फास्ट है आज थर्सडे का, और मम्मी का शकरकंदी खाने का बहुत मन हो रहा था, तो लाओ बैग मैं ले लूं, लाओ खाओ खाओ। और इनको भूख भी लग रही थी, कैसा लग रहा है? तो यहीं से हमने ये लिया है, और अब आगे मार्केट देखते हैं करनी है कि नहीं, क्योंकि ड्रेस तो ले लिया, अब कुछ ऐसा लेना नहीं है खास, घर ही जाना है। तो गाइज ड्रेस हमने ले ली थी, अब मैं सोच रही हूँ एयरिंग्स ले लूँ कुछ वेस्टर्न कलेक्शन, तो ये तीन चॉइस के हैं। कहाँ रख दिया आपने, ये वो दिखा दो। हाँ यही वाला हाँ, ये देखो एक मैंने ये देखे हैं, एक ये लेने की सोच रही हूँ, वो तो रहने दो यही ठीक है। और ये देखो हैंड में डालने के लिए, और मम्मी देखो मम्मी अपने लिए, प्यारा लग रहा है, ले लो चाहिए तो। भाई इसी डिजाइन में और दिखा दो, ले लो। एयरिंग्स कलेक्शन अच्छे अच्छे हैं, मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, ये क्यूट से ना अच्छे। गाइज इस मार्केट का शाम का व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। और यहाँ से मैंने एक बार सैंडल लिए थे, अच्छे थे, काफ़ी अच्छे सैंडल निकले हैं मेरे। गाइस मम्मी मेरे लिए स्वेटर देख रही है, पर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये तुम अपने लिए देख लो। और ये सेल में है 200 रुपये, अभी तक हमें कोई सेल में दिखा नहीं था, सब 300-400 के थे, पर ये नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, रहने दो। एक मुझे ये ग्रीन अच्छा लगा है। बॉटल का है, बॉटल मैंने इसी में डाल। चलो चलो यार चलते हैं। हाय गाइस, तो मैं और मम्मी आ गए थे मार्केट करके, काफ़ी मज़ा आया। जैसे कि आप लोगों को बताए तिलक नगर मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो है वो, उसे होलसेल मार्केट बिल्कुल नहीं कहेंगे, और बिल्कुल सस्ती मार्केट नहीं कहूँगी मैं, वो कैसी मार्केट है, वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, और बहुत अच्छी मार्केट मैं उसे इसलिए कहूँगी क्योंकि वहाँ के कपड़े ना बहुत जेन्युइन होते हैं, क्योंकि हम सस्ती मार्केट से सस्ते कपड़े खरीद लेते हैं पर वो ज़्यादा जेन्युइन नहीं होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो मैं वहाँ से 2-3 ड्रेसेस लेके आई हूँ। नजफगढ़ में मुझे इतनी चीज़ें खास नहीं लगी, वो मैं व्लॉगिंग के चक्कर में चली जाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को उस मार्केट के बारे में पता चले, लेकिन मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग करती हूँ वो तिलक नगर मार्केट से ही करती हूँ, एक तिलक नगर एंड रजौरी भी किसी दिन चलूंगी जब मुझे शॉपिंग करनी होगी, ठीक है। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। फर्स्ट एंड फॉल मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ, काफी अच्छा था, और ये देख सकते हो ये इसका कलर ही ऐसा है, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये रफ रफ है, पर ये ऐसा ही है, ठीक है। तो ये स्वेटर लेके आई हूँ, ये ओनली 300 रुपीज का, ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, और मुझे काफी सही लगा। वहां पे जो 100-100 की सेल में थे ना नजफगढ़ में, वो इतने अच्छे नहीं थे। और मैं मेरी ड्रेस, ठीक है, मैं दिखाती हूँ, एक ड्रेस लेने गई थी और मम्मी ने 2-4 तो दिलवाई थी, मम्मी यार ले ले यार ले 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 ले, अगर चलो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर ब्लॉगिंग करने के लिए तो चली जाती हूँ, बट शॉपिंग करने बहुत कम ही जा पाती हूँ, और मम्मी के साथ ही जाती हूँ मैं शॉपिंग करने, क्योंकि वो सबसे अच्छी शॉपिंग मुझे ही कराती हैं, वो अपने लिए बेशक कुछ ना ले पर मेरे लिए हमेशा बेस्ट लेती हैं वो। तो ये प्यारी सी ड्रेस, सुंदर सी देख सकते हो, तो ये है और ये पूरा है। अब यार इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सबको पहन के दिखाऊं, क्या पता मैं इसे अपने बर्थडे पे पहनूं या ना पहनूं, पर पूरी शॉपिंग कर ली है जो जो मेरे को चाहिए था, थोड़ा पीछे होके मैं दिखा देती हूँ।
ये थोड़ा लॉन्ग नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट है, हाफ है, लेकिन काफ़ी प्रिटी लग रही थी तो मम्मी ने मुझे ये वाली ड्रेस भी दिलवाई है। और ये जितने भी कपड़े हैं ये सब मुझे मम्मी ने दिलवाए हैं, बिकॉज मम्मी कह रही थी ये तेरे बर्थडे का गिफ्ट है, तो मैंने कहा ठीक है। और जब तक देखो आप चाहे कितना भी कमा लो ठीक है, पर जो पैसा खर्च करवाने में मज़ा मम्मी का आता है, पापा का आता है, वो किसी का नहीं आता। और ये देखो ये भी ये मेरी सबसे प्यारी ड्रेस लगी है मुझे, मतलब मुझे बहुत ही क्यूट लगी है। जैसे एक बात मैंने इसको पहन के देखा, वेयर भी किया वहीं पे किया था, पता है वहाँ पे ना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मुझे ना शर्म आ रही थी ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि वहाँ हम शॉप्स में जा रहे थे और बार बार यही है मतलब देख रहे थे कि कभी कभी ना किसी किसी को दिक्कत होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप किसी मार्केट में जाते हो तो वो लोग क्या कहते हैं, वीडियो कॉल कर लो, फोटो मत क्लिक करो कहते हैं ना, तो इस वजह से वहाँ पे ना वीडियो बनाना और फोटो क्लिक करना थोड़ा टफ हो रहा था। और मैंने वहाँ ये वेयर करके भी देखी थी, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। ये भी मेरा वन पीस है, देख सकते हो, ये देखो ये भी क्यूट सा वन पीस है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी मेरा पता है कितने का आया, ये आया मेरा 900 रुपीज़ का, पर इसका स्टफ काफ़ी अच्छा है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, वहाँ पे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे चाहिए जो टिकाऊ हो, जो चले। ऐसा नहीं है कि सस्ती मार्केट में टिकाऊ कपड़े नहीं होते, होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक है वो, लेकिन ये थोड़ा इसका स्टफ भी काफ़ी अच्छा है। देखो महंगे की तो क्वालिटी महंगी जैसी होती है, सस्ते की क्वालिटी सस्ते जैसी होती है ना। तो ये हो गया। और ये, अरे हाँ, इस ड्रेस का मैंने आपको रेट नहीं बताया, ये काफ़ी लग रही है आपको नॉर्मल सी ड्रेस, पर ये नॉर्मल सी ड्रेस 1300 रुपये की है। ठीक है, और ये हो गया। और देखो मैंने सबकी पन्नियाँ खोल खोल के डाल रखी है, क्योंकि मेरे को लगा ब्लॉगिंग करूँगी तो फटाक से पन्नी में से निकाल ही लिए थे ऑलमोस्ट सारे कपड़े। और ये मैं प्यारा सा लेके आई हूँ, देख सकते हो, हैंड में पहनने के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हैंड में ना ज़्यादा कुछ वेयर करती नहीं हूँ, वॉच वेयर करूँगी और अपने बर्थडे पे ये भी पहनूंगी, देख सकते हो सिल्वर कलर का। ये मेरे को 100 रुपीज़ का मिला है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इन सब के प्राइस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि वहाँ की मार्केट कैसी है, उनका प्राइस क्या था और प्रिया ने क्या क्या लिया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट ये बेल्ट है, ठीक है, जो ड्रेस के लिए 200 रुपीज़ की ली है। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, मम्मी ने अपने लिए लिया था, मम्मी ने तो अपने लिए पता कितना मतलब कितने सारे गले के वो लिए। मम्मी दिखा दो अपने गले के सेट्स, वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, एयरिंग सेट बहुत अच्छे थे, जहाँ से हम ले नहीं रहे थे आपने देखा भी होगा। तो ये देखो ये मम्मी ने परचेज किया है 300 रुपीज़ का, ये भी काफ़ी अच्छा है। और दिखाओ मम्मी, मम्मी ने तो एक, ठीक है, और ये पैकेट में से क्यों निकाल रहे हो, ऐसे ही दिखाते ना, ये देखो ये टू मतलब दूसरा टू, ये 1 2 और ये भी 300 रुपीज़ का, ये भी 300 रुपीज़ का। ये वन पेयर दे रहे थे, मतलब ये और ये कानों के दे रहे थे, कितने का दे रहे थे, 350 हाँ 350 की सेल थी ये वाली, तो हम इसे लेके आए हैं 300 लगवा के, क्योंकि हमें तीन पेयर चाहिए थे, मतलब तीन सेट हमें लेने थे। एक और दिखाओ, एक और दिखाओ, क्या कह रहे हो, सब नहीं दिखाने दिखाओ यार मेरे ब्लॉगर्स को, सब दिखाओ जो जो हम लेके आए, हम काफी अच्छी शॉपिंग करके लेके आए हैं, हम पहले भी गए थे पिछले बर्थडे पे भी, मैं शादियां आ रही है ना, शादियों का सीजन है, पिछले बर्थडे पे भी मैंने वहीं से शॉपिंग करी थी, पर मैंने तब ब्लॉग नहीं बनाया था, मुझे ना ब्लॉग का क्या रहता था कि मैं नहीं बनाती थी, अरे मेरी शादी नहीं है, देख सकते हो, अरे रुको मैंने बताया था ना मेरे कजन ब्रो की शादी आने वाली है, तो उसी के लिए ये देखो, ये बहुत प्यारा बहुत यूनिक सेट लगा, ये भी 300 रुपीज का है और ये तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, पता है क्यों, क्योंकि ये ना सच में यूनिक है और इसकी क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी। और ये ना एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी से वेयर किया ये चुभ नहीं रहा, ये वाक्य में नहीं चुभ रहा, तो यही अच्छी क्वालिटी होती है, इससे साफ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अब साफ आ रहा है, तुम लाइट बंद करके ना मेरा व्लॉगिंग बिगाड़ दो, लो इसे रखो। और इसके साथ क्यूट सा टीका आया है, इयररिंग्स आए हैं, सबके साथ टीका और इयररिंग्स आए हैं, अब ये मम्मी मुझे पिना के दिखाएंगी। मैं खाऊंगी ज़ादी हूँ। और जो मैं स्पेशल अपने बर्थडे पे पहनने के लिए जो ड्रेस लेके आई हूँ वो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सरप्राइज है, नहीं दिखाऊ ना, मम्मी भी मना कर रही है, वो मत दिखाओ यार, नहीं दिखाऊ ना, नहीं। पर वो ड्रेस भी हम लेके आए हैं, वो भी काफी अच्छी मतलब रिजनेबल प्राइस हमें मिल गया है, ये सारे जितने भी मैंने आपको रेट्स बताए हैं सब रिजनेबल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है,
मतलब ड्रेस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अच्छे मिल गए हैं। और जो मेरी ड्रेस है, देखो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, मम्मी मैं दिखा रही हूँ, दिखाऊं 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 दिखाऊं, मच्छर क्यों आ रहा है, नहीं दिखा रही, काटेगा क्या मेरे को, सुनो। तो ये है मेरे बर्थडे की ड्रेस, ये, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है। इसका कलर है ब्लैक, देख सकते हो, और ये काफी अच्छा मतलब गाउन टाइप है, लेकिन ये ड्रेस है। और मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, एक तो ये मम्मी शोर मचा रही है, मम्मी मौसी से बाहर बात कर लो, मैंने आपसे कहा था ना मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस। तो इस ड्रेस का रेट भी काफी रिजनेबल है, उन्होंने हमें पता है कितने की बताई थी, बहुत महंगी बताई थी, 2200 रुपए की बताई थी। फिर हमने उनसे कहा यार थोड़ा तो मतलब सस्ता कर लो, हम आपके यहाँ से एक दो तीन ड्रेस शायद, ये नहीं, ये तो हमने वहां से नहीं ली थी, दो ड्रेस हम ले रहे हैं। तो इसका रेट उन्होंने 1300 रुपए लगाया और इस ड्रेस का रेट 1700 रुपए लगाया, और मुझे काफी अच्छी रिजनेबल प्राइस में ये ड्रेस मिल गई। अब जब मैं वेयर करूंगी तब देखना, तभी दिखाऊंगी, अभी मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी। और इसके साथ एक बेल्ट भी है जो इसी के अंदर है, और मैंने अलग से भी 200 रुपीज की बेल्ट खरीदी है, ये चाहे मैं ये वाली वेयर करूँ चाहे मैं वो वाली वेयर करूँ, एक ड्रेस के साथ बेल्ट है, तो काफी अच्छा लुक आएगा। देखते रहना मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को, आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको तिलक नगर की मार्केट कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, आपको भी वहां जाना चाहिए और अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम वेयर्स लेने चाहिए लड़कियों को, खासकर लड़कों के मैंने इतने नहीं दिखा पाए क्योंकि लड़कियों की चॉइस ज्यादा होती है, लड़कों की थोड़ी कम होती है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, इसी व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ 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 हाँ, रुकिए जरा, जा कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरे बर्थडे का, लेकिन उससे पहले कुछ और भी सरप्राइज आ सकता है, ठीक है, चलो बाय।